गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, आप लोग को क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट होगा। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6, इसमें कोई विधि का जिक्र नहीं है, बल्कि इसे कहा जा रहा है कि इसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों में बदल लें और तब हल करें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, सो देखिए, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। हल कीजिए, इसका पहला 1/2x 1/3y बराबर 2, 1/3x 2y 13/6, इस प्रकार से क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे बदले कह रहा है, ax by c equal to 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें बदलने के लिए कह रहा है, मतलब चर राशि अंश में होना चाहिए और ये दिया हुआ है हर में, तो कैसे बदलाएगा, आइए मैं आपको यहां से बताता हूं। पहले लिखिएगा सॉल्यूशन, लिख दिया 1/2x + 1/3y = 2। आप इसको देखिए ऐसे लिखिएगा 1/2 × 1/x 1/3 × 1/y = 2, समझ गया, क्योंकि 1 × 1 ऊपर ऊपर के साथ गुना होगा तो 1, और नीचे नीचे के साथ गुना होगा तो 2x, 1 × 1 1, और 3 × y 3y, कोई दिक्कत। अब इतना बराबर कुछ मान लीजिएगा, कुछ 1/x मान लेना, माना कि 1/x = u मान लेते हैं और 1/y = v, तो ई हो गया यू और ई हो गया भी, या आपको 1/2u और +1/3v = 2। अब लघुत्तम ले लेंगे, 6 2 3 का लघुत्तम 6, 3 बार में कटेगा तो 3 × 1 3u, 34 में लिखा हुआ है, और ये 2v = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 3u 2v = 6 × 12, समीकरण के रूप में आ गया बहादुर। ठीक है, अब इससे चलो 1/3x अब, और 1/2y 13/6, फिर उसी प्रकार से तोड़ दो, कितना बोलिएगा, 1/3 × 1/x 1/2 × 1/y 13/6, सुन लिया, तो इसके जगह वही रहेगा, बार बार अब मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि 1/x की जगह u यू पड़ जाएगा, 1/3 u 1/2 भी 13/6,
लघुत्तम फिर वही आएगा छो, तो ई हो गया टू यू आई थ्री भी तेरह बटे छो, छो से छो कैंसिल, टू यू थ्री भी तेरह समीकरण दू। आप किसको लुप्त करना चाहते हैं कोई भी विधि बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए विलोपन विधि चलते हैं, क्योंकि कल आपको विलोपन विधि एक एक को बताए थे और उधर जो भी चल रहा था तो ब्रज गुणन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो फिर चार पांच गो हम लोग पहले विलोपन विधि, आज टोटल विलोपन विधि बता देते हैं, ठीक है। तो आइए दो है आई तीन है, तो दो का में तीन नहीं आता, तीन का में दो नहीं, तो इसको इसमें गुना कर देना और ई वाला इसमें गुना कर देना। तो लिखिए, लिख देंगे यहाँ कि समीकरण एक में कैसे दो से और दो में तीन से ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो आप लोग को बताए थे जब समान चिन्ह रहेगा तो घटाने पर, तो पहले गुना करेगा छ यू चार भी बराबर चौबीस, छ यू नौ भी बराबर तेरतीया उनचालीस, घटेगा तो ये कटेगा, इसमें घटेगा पांच भी माइनस छोटा बड़ा घटा, छोटा बड़ा घटेगा तो माइनस पंद्रह कटेगा, भी बराबर पंद्रह बटे पांच तीया पंद्रह, भी बराबर तीन आ गया। भी का मान, भी का मान वन में रखने पर वन क्या है थ्री यू टू भी बारह, थ्री यू टू गुने थ्री इबाद बराबर बारह, थ्री यू प्लस छ बराबर बारह, थ्री यू दिख रहा है बारह घटाओ छो थ्री यू छ, यू बराबर छ बटे तीन दुनी यू बराबर दो। तो बहादुर अभी आपको मान आया यू भी का, किसका मान आया यू और भी का, और निकालना है किसको एक्स और वाई का। इसलिए देखिए यहां पर चल देते हैं, ध्यान से देखिएगा जगह कम है तो यहां लिखना पड़ेगा यू भी का मान रखने पर, समझ रहा बाबू। तो एक बटे एक्स बराबर क्या माने थे u, तो एक बटे एक्स u का मान कितना लाया दो, क्रॉस मल्टी टू एक्स बराबर एक, एक्स बराबर एक बटे दो आ गया। अब इधर से एक बटे बाई बराबर भी, एक बटे बाई बराबर तीन, क्रॉस मल्टीप्लाई भी का मान तीन बहादुर, थ्री बाई बराबर एक, बाई बराबर एक बटे तीन, यही दोनों आंसर आया। x का वैल्यू एक बटे दो, बाई का वैल्यू एक बटे तीन। आप लोग इसको गौर से देख लीजिए, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन को प्रश्न में ही कह रहा है रैखिक समीकरण के युग्म में बदल दीजिए और तब हल कीजिए, इसलिए मैंने पहला से चला तो एक गुने एक दो गुने एक्स दो एक्स वही काम इसको किया, एक बटे एक्स बराबर यू मान लिए, एक बटे वाई बराबर भी मान लिए। तो देखिए यहाँ पर यू पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा बहुत यू, तो एक बटे टू यू बन जाएगा और एक बटे तीन भी बन जाएगा, बन गया। लघुत्तम ले लिए है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए छह दुनी बारह, समीकरण एक आ गया। दूसरा काम भी वही किया गया, समीकरण दो आ गया। विलोपन विधि में जानते हो कि जिसको लुप्त करना रहता है उसको गुणांक बराबर करते हैं, तो इसका गुणांक दो है, इसका गुणांक तीन है, तो इसको उसमें गुना कर दो और इसको इसमें गुना कर दो, तब अपने बराबर हो जाएगा। इसका भी चिन्ह प्लस में, इसका भी चिन्ह प्लस में, यदि समान चिन्ह रहता है तो घटाने पर। आप बात जानते हैं,
तो समीकरण एक में दो से गुना किया, दो में तीन से गुना किया, घटा दिया तो भी का मान आ गया। भी का मान समीकरण वन में रख दिए, वन में रखे चाहे टू में रखे आ जाएगा। लेकिन ये मान आया यू भी का और आपको निकाल कर एक्स वाई का, इसलिए फिर से मान रखना पड़ेगा। जहां पर हम लोग माने हैं तो एक बटे एक्स बराबर यू माने थे, तो यू का मान दो दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हुआ, टू एक्स बराबर एक आ गया। समझ में आएगा, मिटाते हैं। मैं इस टाइप पर एक दो क्वेश्चन बना देते हैं, आप लोग भी इसको बनाइएगा। बदल करके बनाने के लिए कह रहा था इसलिए मैंने बनाया है ना। और आप लोग याद रहे, अभी मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूं, और फिर इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो हम आप लोग को चार दिन समय देंगे। चार दिन में आप स्टूडेंट फ्रेंड का जो भी क्वेश्चन करना रहेगा ए टू जेड, तो ए टू जेड कर सकते हैं, है ना। बनाने बाद जो बचेगा सो, इन्हें कि ए टू जेड बोल दिए तब सर 3.1 के ए टू जेड बना दिए। 3.2 तो पता चला कि हम लोग को 14 साल की 16 साल में 26 साल बीत जाएगा दसवें में। आइए देखिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2/√x 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। फिर इसका भी बात वही आया है ने, तो सॉल्यूशन चलते हैं 2/√x 3/√y बराबर 2। सब बच्चा देख रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, 2 तो गुना में है ही है अंश में, 1/√x 1/√y बराबर 2 बल कैसे सर, तो 2 × 1 2 ऊपर में हो गया आई नीचे रह गया, 3 × 1 3 ऊपर में हो गया आई नीचे रह गया। अब इतना बराबर मान लेंगे u, इतना बराबर v, माना कि 1/√x के जगह पर u रखेंगे और 1/√y की जगह पर भी रखेंगे, तो ये हो गया u 2u 3v ना, यहाँ पर इतना पर u रखे थे ना, यहाँ पर भी रखे थे ना, तो 2u 3v समझिए। पुनः दूसर का समीकरण वहां 4/√x माइनस में अथी 9/√y बराबर -1 समझ रहा, वही काम करेंगे 4 × 1/√x और 9 × 1/√y और बराबर -1 इसके जगह पर 4 इसके जगह पर 9 भी -1 समीकरण 2 समझ रहा है विद्यार्थी जी। अब देखो ये 2 है ये 4 है, तो 2 इसमें गुना कर देंगे, यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, समान रहता है तो घटाया जाता है, तो इसको गुना करेंगे 4u 6v बराबर 4 और इधर बोलो 4u 9v -1 घटेगा जुटेगा जुटेगा कटेगा, क्योंकि ऊपर ला प्लस नीचे हो गया माइनस, नीचे ला चिन्ह मतलब है इसमें ही जुट जाएगा 6 × 9 = 15 भी इसमें ही जुट जाएगा 5 भी बराबर 5/15 15/5 मत करना, इधर से भागा 1 और 3 भी बराबर 1/3 भी का मान 1 में रखने पर 2u 3v 2 2u 3 × 1/3 2 कट गया 2u + 1 = 2 जोड़ में इधर से घटा 2 × 1 2u = 1 u = 1/2 u निकाले भाई नहीं, वही बात आया कि हम लोग का मान आया इसका 1/2 इसका 1/3 लेकिन u भी का मान
यहां पर आंसर आएगा u कॉमा v का मान रखने पर, तो एक बटे रूट एक्स है बराबर u माने थे, एक बटे रूट एक्स बराबर u का मान, बोलो u का मान आ गया एक बटे दो क्रॉस मल्टीप्लाई रूट एक्स बराबर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो रूट हट जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर तो रूट एक्स के स्क्वायर बराबर दो के स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो एक्स बराबर चार आ गया। एगो वही बात इधर करो, एक बटे रूट वाई बराबर भी का एक बटे भी का मान एक बटे दो तीन, यहाँ बाबू तीन क्रॉस मल्टीप्लाई रूट वाई बराबर तीन, तो वाई का स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर हो जाएगा यहां से, देखो चलिए यहां भी रखनी ने अभी के मान एक बटे तीन देनी ने एक बटे रूट वाई और इसका वैल्यू एक बटे कितना तीन, सवेरा क्रॉस मल्टीप्लाई रूट वाई बराबर कितना आया तीन, तो यहां पर भी वर्ग होगा ने, तो रूट y का होल स्क्वायर बराबर तीन के स्क्वायर यानी y बराबर आपको आ गया नौ, x का वैल्यू चार और y का वैल्यू नौ। आप चाहेंगे तो उत्तर का जांच करेंगे, चार यहाँ रूट में धरेंगे तो दो आएगा, दो बटे अंडर रूट चार और तीन बटे अंडर रूट नौ, तो दो बटे दो हो जाएगा, तीन बटे तीन हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में एक बार में एक एक जुट के दो आ गया ने। उत्तर का आप चाहेंगे तो 100% जांच कर सकते हैं, तो देख लिया यहाँ से ऐसे 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 उतारेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जैसे यहाँ उतारेंगे और यू भी का मान वहां से निकल गया, अब यहाँ मान रख दिएंगे, ये रूट हटाने के लिए आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए अथवा डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इधर रूट हटेगा इधर स्क्वायर चलेगा, आप ऐसे भी कर सकते थे, तो ठीक है 5 सेकेंड तक इसको देखें। देख लिया मैंने पहला भी बताया, पहला का दूसरा भी बता दिया, अब दो को आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं, दो क्वेश्चन इसमें चार क्वेश्चन है बाद में, दो को आप लोग बनाइएगा। इसमें बहुत क्वेश्चन है, आठ गो है, चलिए आगे बता देते हैं। दो तीन क्वेश्चन लगातार बता देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इसी का तीन नंबर में आ रहे हैं, चार बटे एक्स तीन वाई बराबर चौदह, तीन बटे एक्स चार वाई बराबर तेईस। देखिए विद्यार्थी इसमें एक ही गो बटा है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर सॉल्यूशन लिख देंगे, चार बटे एक्स प्लस तीन वाई बराबर चौदह, तो चार गुने एक बटे एक्स प्लस तीन वाई बराबर चौदह, ये अपने जगह पर है, तो माना कि एक बटे एक्स बराबर यू, सरा यही मान लो, ये मान लिया, कुछ भी मान लिया कोई दिक्कत नहीं, एक्स छोड़ के एक्स और वाई छोड़ के, तो ये फोर यू प्लस थ्री वाई बराबर चौदह, समीकरण एक। पुनः यहां से तीन बटे एक्स माइनस चार वाई बराबर तेईस, तीन गुने एक बटे एक्स चार वाई तेईस, थ्री यू माइनस फोर वाई बराबर तेईस, समीकरण दो। अब देखो विद्यार्थी इसको इसमें कर दो और इसको इसमें, इसमें तीन से गुना इसमें चार से गुना, यहाँ लिख दो कि समीकरण एक गुने तीन घटाओ दो गुने चार से, यहां से
चातिया 12u 9y बराबर 14 दुनिया 28 चौतिया 42 और यहां से बाहू 3 चौका 12 और माइनस 4 चौका 16 और 4 3 12 के दो हाथ में रहा 1 4 9 8 1 9 3 चौक 92 माइनस प्लस माइनस कट गया ये दोनों जुड़ जाएगा 16 9 25 उसमें घटेगा 0 दो में से 2 गया 0 अब यहाँ 9 में से 5 लेकिन माइनस में y बराबर 50/25 y बराबर माइनस 2 अब y का मान 1 में 4u 3y 14 4u 3 गुने बराबर 14 4u 6 बराबर 14 4u माइनस में उधर गया प्लस में 4u बराबर 20 u बराबर 20 बटे 4 पचे 20 u बराबर 5 तो केवल u का मान रखना विद्यार्थी भाई तो आइए गया u का मान रखने पर तो 1 बटे x बराबर u माने था ना 1 बटे x बराबर u तो 1 बटे x u का वैल्यू आ गया 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5x बराबर 1 x बराबर कितना आ गया 1 बटे 5 और y बराबर कितना आया था माइनस 2 आंसर ये थोड़ा उससे छोटा था इसमें एक ही चर राशि को मानना पड़ा देखिए आज मैं आपको कंटिन्यू क्वेश्चन बता देता हूं लगातार और आप लोग भी लगातार इसी प्रकार से प्रयास करेंगे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप हमसे पूछ लेंगे मैं दोबारा बता दूंगा इसका 3 नंबर और 4 3 नंबर बता दिया 4 नंबर में 5/(x-1) y-2 बराबर 2 और 6/(x-1) 3/(y-2) बराबर 1 देखिए विद्यार्थी पहला समीकरण का हल और दूसरा समीकरण का हर बराबर है तो वही काम करना पड़ेगा जैसे आप पहले किए सॉल्यूशन 5/(x-1) प्लस 1/(y-2) 1/(y) तो यहां देखिए 5 × 1/(x-1) ये तो डायरेक्ट वही है ये है बराबर 2 सॉरी बराबर 2 ये 5 है तो 5 गुना कर दी अब 1 से गुना करेंगे तो 1 क्या रहेगा बाबू अब इतना बराबर मान लीजिए इतना बराबर मान लीजिए ये जरूरी कि यू भी माना कि 1/(x-1) बराबर a और 1/(y-2) बराबर b लीजिए अब ये भी मानते तो यहां हो जाएगा a यहां हो जाएगा b यानी 5a का केवल b बराबर 2 समीकरण है और कैसे सर क्योंकि इसके साथ गुना 1 है और 1 के पद में माने हैं आगे कुछ अंक से गुना रहता था ना अंक आगे देते इसमें 5 से गुना था तो 5 आया पुनः दूसरे का समीकरण 6/(x-1) 3/(y-2) अब आप दिमाग लगाइए ऊपर में 6 से गुना तो 6 ये होते और माइनस 3 भी होते
बराबर एक कुछ अब हट कैसा हो देख लिया। अभी हम बी को लुप्त करते हैं तो इसमें डायरेक्ट तीन से गुना कर रहे हैं तो ये प्लस में माइनस में अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर लिख देंगे क्या लिखेंगे कि समीकरण समीकरण एक गुने दू जोड़ दू से गुना तीन से कर रहे हैं सॉरी तीन से गुना कर रहे हैं गुना करो पाई तीजा पंद्रह ए तीन बी तीन दुनी छो छो ए माइनस तीन बी बराबर एक जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है कि कट जाएगा पंद्रह छो इक्कीस ए आई सात ए बराबर सात बटे इक्कीस एक बटे तीन ए बराबर एक बटे तीन सुन लिया। ए का मान वन टू जिसमें रखो ए का मान वन में वन क्या था पांच ए बी बराबर दो पांच ए पांच गुने एक बटे तीन ए का वैल्यू बी बराबर दो ये गुना होके आ गया पांच बटे तीन बराबर दो जोड़ में उधर जाएगा घटाव में दो घटा पांच बटे तीन तो बी बराबर लघुतम आया तीन दुनी छ माइनस पांच तो देख विद्यार्थी तो बी बराबर आया घट के एक बटे तीन ए का मान भी एक बटे तीन और बी का मान भी एक बटे तीन चलिए वहां का लिखते हैं जो लिख देते हैं एक बटे तीन ठीक है। अब ए बी का मान रख दो ए बी का मान रखने पर तो एक बटे एक्स माइनस वन बराबर ए माने थे एक्स माइनस वन ए का वैल्यू आ गया बाबू एक बटे तीन तो ई बराबर इसका ई बराबर इसका एक्स माइनस वन बराबर तीन तो एक्स बराबर तीन और जोड़े एक्स बराबर चार इधर से और बाई माइनस दू बराबर बी माने थे देखो तो एक बटे बाई माइनस टू बराबर बी का वैल्यू आया आपके कितना एक बटे तीन है इसलिए बाई माइनस दू बराबर तीन तो बाई बराबर तीन प्लस दू तो बाई बराबर पांच यही आंसर आया है कुछ नहीं आप लोग केवल ध्यान से दीजिए एक बट्टा रहे दो बट्टा रहे किसी प्रकार से क्वेश्चन रहे कोई दिक्कत नहीं तो 3.6 एनसीईआरटी आपका क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन लगातार आप लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर यानी पहला का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर लगातार चारों कंटिन्यू बताया गया है। इसमें चार को और भी क्वेश्चन है आप लोग के लिए यदि बनेगा तो ठीक है नहीं भी बनेगा तो आपको बताया जाएगा। जिन बच्चों के पास यह बुक अवेलेबल है वो बनाएंगे है ना और नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ मिलते हैं तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद। Thank you.